और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे पता है लॉकडाउन आपके लिए भारी रहा होगा, तो इसीलिए आज मैं एक धमाकेदार मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक चाइनीज एनिमेटेड मूवी व्हाइट स्नेक के बारे में। तो ये मूवी आई थी 2019 में। फैंटेसी और रोमांस पे ये बेस्ड ये मूवी अपने जॉनर में बिल्कुल फिट बैठती है। तो ये मूवी टोटल 1 आवर 39 मिनट की है एंड टोटल 99 मिनट की। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे 68% फ्रेश और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 60 आउट ऑफ 100। तो गूगल स्कोर पे इसका स्कोर है 94%। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये मूवी रिलीज हुई थी फर्स्ट टाइम चाइना में, यानी इसके इनिशियल चाइना में हुए थे। इसके डायरेक्टर हैं जैकांग हुएंग और जी जाओ ने। ये अब तक सिर्फ मैंडेरिन यानी चाइनीज और इंग्लिश में अवेलेबल है और रेयरली ही आपको कहीं पर डाउनलोड करने मिले। और इस मूवी का प्रोडक्शन लाइट चेजर एनिमेशन ने किया है। अगर आपको ये मूवी डाउनलोड करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये मूवी एनिमेशन में बहुत ही रेलिवेंट है और काफ़ी वेल डायरेक्टेड भी। अब इस मूवी को बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है क्योंकि काफ़ी लोग इस बात पे कंफ्यूज थे और इंटरनेट पे काफ़ी सारी क्वेरीज भी आ रही थी कि ये बच्चों के लिए है या नहीं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल ही बच्चों के लिए नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सीन्स में वायलेंस और रोमांटिक सीन्स डाले गए हैं, विच इज़ नॉट आइडियल फॉर किड्स। तो चलिए इस मूवी के बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं और स्टोरी जान लेते हैं, जिसके आखिरी में मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा जो इससे रिलेटेड है और जिस पे ये मूवी बेस्ड है, और वो चीज़ चाइना में बहुत फेमस है, जैसे हमारे यहाँ दादी नानी की कहानियाँ। तो चलिए पहले इंट्रो से शुरू करते हैं। अब मेरी चाइनीज उतनी एक्यूरेट नहीं है, तो ट्राई टू कॉपरेट विद मी, मतलब डील विद इट। तो ये मूवी बेस्ड है सेम नेम के एक मूवी प्लॉट पर, जिसका नाम है सॉर्सर विद द वाइट स्नेक। तो ये मूवी एक तरह की इसकी सीक्वल ही है। तो कहानी शुरू होती है बैलेंका से। बैलेंका नेम उस वाइट स्नेक का है और यू कैन से डीमन, जिसे ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो उस जनरल का मर्डर कर दे जिसने गांव वालों को स्नेक को मारने और उसे बेचने का हुक्म दिया है। और जब वो सेरेमनी में पहुँच कर उसे मारने की कोशिश करती है तो फेल हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली जब वो भागने की कोशिश करती है तो उस पर अटैक हो जाता है और अटैक में वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है और लगभग कहे तो मरने की स्थिति में आ जाती है। जब उसे लकीली एक विलेज बॉय रेस्क्यू कर लेता है जो स्नेक पकड़ने के फैसले के खिलाफ था और अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता था, और उस लोकल बॉय का नाम जुआना था। तो वो मेमोरी लॉस्ट कर चुकी थी, पर जुआन उसे हेल्प करता है टू रिकवर हर मेमोरी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वाइट स्नेक की सिस्टर उसे वापस लेने आती है और ढूंढते हुए उस तक पहुँच जाती है, जिसके बाद वो उसकी मदद करती है उसकी याददाश्त वापस लाने में। तो वो स्नेक में ट्रांसफॉर्म होने की कैपेबिलिटी रखती थी, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं इच्छाधारी नागिन, यानी ह्यूमन टू स्नेक और स्नेक टू ह्यूमन। अब उसकी बहन ने उसे एक ऊर्जा का सोर्स दिया था जो कि एक तरह का क्लिप के फॉर्म में था, जिससे कि वो उसकी मदद कर सकती थी जनरल को मारने के लिए। अब याददाश्त वापस आने के बाद फिर से वो अपने मोटिव पर लग जाती है, जिसमें अब उसकी मदद जुआन भी देता है और उससे आखिरी में उसे लव भी हो जाता है। तो दे बोथ वर इन लव। तो इसमें हमें कुछ मेजर सीन्स दिखाए जाते हैं। एक तो जब उसकी सिस्टर स्नेक कैचर समझ के जुआन पे अटैक कर देती है, क्योंकि जुआन जिस जगह पे रहता था वहाँ पे स्नेक कैचर्स रहते थे, यानी सांप को पकड़ने वाले, लेकिन जुआन खुद स्नेक कैचर होके भी स्नेक से बहुत डरता था। बेसिकली उसका पूरा का पूरा गाँव है स्नेक कैचर विलेज था, यानी सांपों को पकड़ने वाला गाँव, जो कि पूरा का पूरा गाँव ही उसमें इन्वॉल्व था। इसीलिए उसकी बहन उसे रॉन्ग समझ लेती है और उस पर हमला कर देती है, जहाँ से उसे बचाती है बैलेंका। या फिर हम बात कर लेते हैं उस एपिक सीन की जिसमें वो जायंट स्नेक से लड़ती है, जहाँ पे दो जायंट स्नेक की बैटल दिखाई जाती है जो कि अमेजिंग था। या हम बात करें वो सीन की जब बैलेंका बहुत कोशिश करती है अपने पावर को वापस हासिल करने की, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म करने की पावर भी भूल चुकी थी, और फिर कैसे वो अपना मकसद पूरा करती है। तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है, सिमिलर टू फेरी टेल्स एंड रोमांस, लेकिन इसमें देखने वाली चीज़ इसका अमेजिंग एनिमेशन भी है जिसकी फाइट सीन्स को काफ़ी मज़ेदार बनाता है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। तो चाइना में ये स्टोरी बहुत ही फेमस है। तो ये कहानी है द इमॉर्टल वाइट स्नेक की, यानी कि अमर सफेद सांप की, जिसमें एक इमॉर्टल वाइट स्नेक जो कि एक बार मुसीबत में फंस गई थी और उसे एक लड़के ने बचाया था, जिसके बाद वो उससे प्यार करने लगती है और फिर अगले जन्म तक उसका वेट करती रहती है क्योंकि वो लड़का उसे कहीं नहीं मिलता, जिसके बाद वो उससे इंसान बनकर शादी कर लेती है। लेकिन एक्चुअली में उस लड़के को नहीं पता था कि वो एक डीमन है, यानी कि वो जिसे शादी कर चुका है वो असलियत में एक सांप है। बैलेंका उसे काफ़ी टाइम तक अपने एक सरपेंट होने के बाद छुपाती है कि वो एक सांप है, पर प्रॉब्लम तो तब होती है जब उनके पीछे एक मॉन्क पड़ जाता है। अब जिनको मॉन्क नहीं मालूम उन्हें मैं बता दूं कि मॉन्क साधु को कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं बौद्ध भिक्षु,
ठीक है। तो उसके पीछे एक मॉन्क पड़ जाता है जो उसे डीमन समझता था और उसे मारना चाहता था, या कहें बेसिकली कैद करना चाहता था, क्योंकि वो ऐसे भी इमॉर्टल थी तो वो मर नहीं सकती थी। जिसके बाद वो लड़का उसे कितनी बार बचाता है और आखिरी में वो मॉन्क उसे कैद करने में कामयाब रहता है, जिसके बाद वो उस लड़के को मार देता है और आखिरी में वो मारा भी जाता है। जिसके बाद बेलेनका फील्स वेरी ट्रॉमेटाइज, जिसके बाद वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके उस लड़की को बचाने जाती है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्चुअली में उसे बहुत सारे हर्ब्स और जादुई आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में पता था, जिसके लिए उसे ज़िंदा करने के लिए एक बिल्कुल जादुई हर्ब की जरूरत थी, जिसकी रक्षा एक बूढ़ा आदमी करता था और उसके सागिर्द करते थे। और उसे उस हर्ब को लाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि इसमें उसके बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अल्टीमेटली वो उस बूढ़े आदमी के द्वारा पकड़ी जाती है, लेकिन जब उसका सवाल आता है कि आखिर वो जब इमॉर्टल है तो फिर भी उसने ऐसा क्यों किया, तो उसे अपना जवाब देती है, जिससे इम्प्रेस होके वो ओल्ड मैन उसे वो जादुई हर्ब ले जाने देता है और जिसके बाद उसे बचा पाती है। अब आपको लग रहा कि ये एंड हो गई, लेकिन असली ट्विस्ट तो यहीं से स्टार्ट होता है। वो मॉन्क फिर भी नहीं मानता है और इस बार वो चाल चलता है और आखिरकार अपनी कहानी में कामयाब हो जाता है और उसे कैद करने में सफल हो जाता है। जिसके बाद लड़का अपनी गलती को सुधारने के लिए चला जाता है और घोर तपस्या करने लगता है। बस ऐसे ही कहानी चलती रहती है और आखिर में जाके आपको हैप्पी एंडिंग ज़रूर मिलेगी। तो ये कहानी इतनी लंबी है कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बना जा सकती है, और अगर आप कहें तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बता दीजिए, तो मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। पर तब तक के लिए आप चाहें तो इसकी पूरी स्टोरी को टेड एड नाम के एक यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, जहां मैंने ये स्टोरी ली है। और हाँ, ये आपको इंग्लिश में ही मिलेगी क्योंकि टेड एड चैनल इंग्लिश में है। तो अगर आपको ये इंग्लिश में देखनी है तो आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो आप वहां से जाके इसका मज़ा उठा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ज़्यादा आ गया तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना यार, और शेयर भी करना भूलना मत। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, मोर वीडियोज़ आर कमिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।